हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और यहाँ पे देखिए मधु कामनी में कितने अच्छे से फ्लावर आने स्टार्ट हो गए हैं। और सर्दियों के बाद इसमें ये तीसरी बार फ्लावरिंग हो रही है मधु कामनी पे, और मैं वीडियो अभी तक इस पर बना नहीं पाई थी। आज मुझे फ्लावर इस पर काफ़ी खूबसूरत दिखे सुबह के टाइम में, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो आज देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से इसको हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं, रख सकते हैं, जिससे इस पर इतने अच्छे से फ्लावरिंग होती है। ये गार्डन का एक हार्डी प्लांट है। अगर इस तरह से प्लांट आप ढूंढ रहे हैं कि जितना हार्डी हमारे गार्डन का बुगनविला होता है या हिबिस्कस देसी वाले होते हैं, उस तरह के प्लांट आप ढूंढ रहे हैं, तो इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। और इसकी तीन वैरायटी है मेरे पास। इस तरह से मोगरा के प्लांट होते हैं, वहाँ से भी भीनी भीनी खुशबू आती है उसके पास से गुजरने से, वैसे ही इसमें भी खुशबू आती है। इस प्लांट के पास से अगर हम गुज़रते हैं, अब हम इनके केयर की बात करें कि किस तरीके से इनको अपने गार्डन में रखना है, तो सबसे पहले मिट्टी हम हर एक प्लांट की वेल ड्रेन ही बनाते हैं, और इसकी भी मिट्टी हमें वैसी ही बनानी है। अगर आपके एरिया की मिट्टी अच्छी मिट्टी है, चिकनी नहीं है या लाल मिट्टी नहीं है, तो आप नॉर्मल जो आपके गार्डन की मिट्टी है या आपके एरिया की मिट्टी है उसी मिट्टी का यूज़ करिए। थोड़ा सा उसमें आप राइस हस्क मिला लीजिए और फर्टिलाइज़र मिला लीजिए, उससे मिट्टी हमारी जो है पोरस हो जाती है राइस हस्क मिलाने से। और अगर राइस हस्क नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप उसमें रेत भी मिला सकते हैं। इस तरीके की मिट्टी आप इसके लिए तैयार करिए कि जिसमें पानी ना रुके, और बारिश हो या पानी हम दें तो पानी तुरंत निकल जाए, गमले में पानी रुके ना, तो ये पौधा हमारा चलता रहता है, किसी तरीके से पौधा हमारा ख़राब नहीं होता है। सर्दियों के बाद से इस पे फ्लावर आने स्टार्ट हो जाते हैं, जब मार्च स्टार्ट होता है, मार्च अप्रैल से आते हैं। एक बार फ्लावर आएगा तो पूरे प्लांट पे फ्लावर आएगा और पूरा प्लांट इस तरीके से देखिए फूलों से भरा हुआ दिखेगा, और फिर करीबन एक से डेढ़ महीने के लिए फिर से ये तैयार होता है दोबारा फ्लावरिंग करने के लिए। और ये इसके साथ चलता रहता है इस तरीके से, ये तब तक फ्लावर करता रहता है जब तक फिर से सर्दियां नहीं आ जाती। सर्दियों में थोड़ा सा ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, सिर्फ इस प्लांट पे पत्तियां बसती हैं, किसी तरीके का फ्लावर नहीं दिखाई देता, लेकिन फरवरी आते आते फिर से इसके ग्रोइंग का टाइम आ जाता है, ग्रोथ का टाइम आ जाता है। उस समय आपको हल्की हल्की सी इस प्लांट की प्रूनिंग करनी है। बहुत ज़्यादा अगर डेड ब्रांचेस हो गई हैं तो हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पौधे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है सर्दी के मौसम का, तो आप अगर पौधे को बड़ा रखना चाह रहे हैं, शेप में लाना चाह रहे हैं, तो हार्ड प्रूनिंग ना करके सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए, तो पौधा हमारा फिर से ग्रोथ ले लेता है। एक बार जैसे अब ये फ्लावर ख़त्म हो जाएंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा शेप में रहे, बहुत बड़ा आकार ना ले, तो यहाँ से फिर इसको आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। इससे फिर से इसमें नई नई ब्रांच आती हैं, फिर से नई कलियाँ आती हैं। और वैसे भी अगर नहीं भी प्रूनिंग करेंगे आप, नहीं भी कटिंग करेंगे, तो ये पौधा थोड़ा सा हाइट ले लेगा, लेकिन रुक रुक के ये फ्लावर करता रहेगा। एक महीना डेढ़ महीना ये रेस्ट पे जाएगा, उसके बाद फिर से इसमें एक साथ कलियाँ बनेंगी पूरे प्लांट पे, और फिर से ये फ्लावर के लिए तैयार हो जाएगा। इस प्लांट को आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पे ये पूरे दिन की धूप इसको मिले, और अगर पूरे दिन की धूप नहीं मिल पा रही है तब भी 4 से 5 घंटे इसको धूप चाहिए। अगर ऐसी जगह इसको नहीं मिलेगी तो इस प्लांट पे फ्लावर नहीं आते हैं इतने अच्छे से जिस तरीके से अभी आपको दिख रहा है। तो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट होता है, लगभग सभी प्लांट के लिए धूप ज़रूरी है, तो ऐसे पौधों को आप धूप में रखिए जिन पौधों से फ्लावर लेना चाह रहे हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसके साथ भी यही है, अगर आप छाया वाली जगह पर रख देंगे तो इसमें आपको फ्लावर नहीं देखने को मिलेंगे। फर्टिलाइज़र की बात करें तो फरवरी के टाइम में ही, फरवरी मार्च में ही, इसमें जब हम हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं उसी समय हमें इसमें फर्टिलाइज़र देना होता है, जिससे ये फिर से अपने आप को तैयार कर लेता है नई ग्रोथ के लिए, नए फ्लावर्स के लिए। तो उस समय आप इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और जब इस तरीके से अगर आप देना चाहें तो इस तरीके से बीच बीच में भी इसमें आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जैसे अभी एक बार ये फ्लावर बंद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो आप इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग करके फिर इसमें एक मुट्ठी आपने वर्मी कंपोस्ट दे दिया या 1 से 2 मुट्ठी गोबर की खाद दे दिया, तो इससे पौधा हमारा स्वस्थ
स्वस्थ रहता है, किसी तरीके से पौधा डल नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप नहीं दे पा रहे हैं फर्टिलाइज़र, तब भी ये पौधा आपके गार्डन में चलता रहता है। इस प्लांट में सिर्फ मैंने फरवरी के टाइम में ही, जब सभी प्लांट में मैंने फर्टिलाइज़र दिया था, उसी समय मैंने इसमें दिया था। और उसके बाद देखिए किसी तरीके का मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है और आराम से ये पौधा चलता जा रहा है। गर्मी में तो इसने फ्लावर इतना ज़्यादा, इस बार इतनी गर्मी थी कि मुझे नहीं लगता है कोई भी फ्लावर वाले प्लांट मेरे गार्डन में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे थे 2-3 महीना। लेकिन उसके अलावा जो है 2-3 बार, ये सर्दियों के बाद से ये तीसरा टाइम है जब इस पर इस तरीके से फ्लावर आ रहे हैं। तो अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं भी दे रहे हैं तो ये रेस्ट कर करके एक बार फ्लावर करेगा, फिर रेस्ट पे जाता है, फिर फ्लावरिंग करता है। इस तरीके से अपने टाइम से, अपना टाइम लेके ये फ्लावरिंग करता रहता है। अगर आप फर्टिलाइज़र इसको हर महीने या हर 2 महीने में नहीं दे पा रहे हैं, साल में 2 से 3 बार फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो भी ये पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इन पौधों के लिए मैं केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत कम करती हूँ। जो इस तरीके से हार्डी प्लांट होते हैं गार्डन के, जैसे बुगनविला हो गया या ये मधुमालती का पौधा हो गया, मधुकामनी का पौधा हो गया, इन पौधों में मैं ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का ही यूज़ करती हूँ। तो आप भी अगर चाहें तो केमिकल ना यूज़ करें अपने गार्डन में। अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, इससे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और बीच बीच में अगर आप केले के छिलके को सुखा के उसको पाउडर फॉर्म में देते हैं प्लांट्स में, उससे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, उससे भी फ्लावरिंग अच्छी होती है। जब आपके पौधे पे फ्लावर नहीं आ रहे हैं, पौधा आपका हेल्दी है, स्वस्थ है, उस समय अगर आप चाहें तो केमिकल का यूज़, पोटास का यूज़ कर सकते हैं, NPK का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पौधा फिर से हमारा नई ग्रोथ ले लेगा और फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी इस प्लांट पे करीबन, ये पौधा 3 साल पुराना है मेरे गार्डन में, इस पे किसी भी तरीके का मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैंने कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया है। सिर्फ वही साल में 2 या 3 बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मैं दे देती हूँ। इससे भी देखिए अपने टाइम से इस पे फ्लावर आ जाते हैं और अच्छे से फ्लावर आते हैं। ये वाले प्लांट जो होते हैं, इनमें सीड बन जाते हैं फ्लावरिंग के बाद, तो आप सीड से भी इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ये पौधा ईजिली लग जाता है। अभी देखिए बारिश का टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको कटिंग लगाना चाहिए। कटिंग हमारी ईजिली बारिश के टाइम में लग जाती है और अभी तक मैं किसी तरीके का कटिंग नहीं लगा पाई हूँ। बस सोच रही हूँ कि किस तरीके से कटिंग लगाऊं। और यहाँ पे देखिए इन फ्लावर, ये फ्लावर जो होते हैं इस तरीके से, देखिए पॉलिनेटर्स को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम वेजिटेबल प्लांट्स लगा रखे हैं, फ्रूट प्लांट लगा रखे हैं, तो इस तरीके के प्लांट, फ्लावर प्लांट हमको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करने चाहिए। और देखिए किस तरीके से इस पर मधुमक्खी लगी हुई है। तो कटिंग की बात कर रहे थे, कटिंग जब हम लगाते हैं तो थोड़ा सा हार्ड वुड लें हम, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतनी पतली अगर हम स्टेम इसकी ले लेते हैं, ब्रांच ले लेते हैं और कटिंग लगा देंगे तो ईज़िली ये लग जाता है। ऊपर की टिप ना लगाएं, इसकी सूखने या गलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इस तरीके से जिसकी ब्रांच हल्की सी ब्राउन दिखे, हार्ड दिखे, वो वाली कटिंग इसकी ईजिली लग जाती है। तो लगभग 6 इंच की कटिंग लेके आप कट करिए और किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए। रेतीली मिट्टी में अगर लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर आपको अलग से नहीं लगाना है तो इसी पॉट में आप लगा दीजिए तो भी ये पौधा ईजिली ग्रो कर जाएगा, कटिंग ईजिली लग जाएगी। मधुकामनी को आप कटिंग से ज़रूर लगाइए। और ये वाला प्लांट जो है 100 से 150 रुपये में आपको नर्सरी में मिल जाता है। अगर आप नर्सरी से ले आना चाहते हैं तो नर्सरी से ले आइए, उसके बाद आप इसकी ढेरों कटिंग तैयार कर सकते हैं इस पौधे की। तो इस बार मैं इसकी कटिंग तैयार करूँगी और दिखाऊँगी कि इसकी कटिंग किस तरीके से हम लगाते हैं। इस तरीके का कोई प्लांट ढूंढ रहे हैं जो साल भर रुक रुक के फ्लावर करे आपके गार्डन में, तो मधुकामनी को आप ज़रूर ऐड करिए। बहुत अच्छे से फ्लावर करते हैं, बहुत अच्छे से इनकी खुशबू होती है। तो ये थी फ्रेंड्स मधुकामनी की जानकारी कि किस तरीके से हम इसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अगर ये आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।